नगर प्रबंधक ने घटनास्थल खानचौक पहुंचकर नाले का किया निरीक्षण। खानचौक स्थित खुले नाले का नगर निगम के नगर प्रबंधक ने पहुंचकर घटनास्थल का लिया जायजा। रामगंज पूर्व टोला निवासी व्यक्ति एक दिन पूर्व इसी नाला में डूबकर मौत हो गई थी, जिसकी लाश उसी खान चौक कब्रिस्तान के किनारे सटे हुए नाले से रविवार की सुबह नाले में तैरती हुई बरामद हुई थी, जिसके बाद स्थानीय वार्ड नंबर 29 के पार्षद पति एवं पूर्व पार्षद डॉक्टर मुन्ना खान के पहल पर दरभंगा नगर निगम के नगर प्रबंधक अजहर हुसैन को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना करने के बाद नगर प्रबंधक अजहर हुसैन ने कहा, घटनास्थल का नाला खुली हुई है और इसकी गहराई भी काफी है, जिसकी लंबाई 7 से 8 फीट और 4 से 5 फीट चौड़ाई में यह नाला पूरी तरह से खुला हुआ है। सड़क किनारे होने से काफी खतरनाक स्थिति में है। इस तरह से सालों से यह स्थिति बनी हुई है। कुछ वर्ष पहले ईंट की दीवार सड़क किनारे बनाई गई थी, जो काफी पहले टूटकर नाले में गिर गई थी। नगर प्रबंधक ने बताया कि किस वजह से नाला टूटा इसकी जानकारी हमें नहीं है। नाला देखने से मालूम होता है कि काफी 7 से 8 फीट लंबा नाला है। उन्होंने बताया कि हमारा इंजीनियर आएगा और अवलोकन करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल लाल झंडा लगाया गया है। डूबने से हुई मौत का कारण खानचौक का खुला हुआ नाला बताया जा रहा है, जो सड़क से पूर्व वार्ड नंबर 28 में आता है। सड़क से पूरा कब्रिस्तान की दीवार से सटे यह नाला जो पूरी तरह से खुली है, जिसका निदान सालों से नहीं हो पाया है। जानकारी देते हुए नगर प्रबंधक ने बताया कि चित्र के नाले को देखरेख और निर्माण डूडा एवं अन्य विभागों के द्वारा कराया जाता है। उन्होंने बताया, सही तालमेल नहीं होने के कारण भी इस तरह की समस्याएं शहर में देखी जा रही है। जल्दी शहर की इस तरह की समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। मौके पर मौजूद वार्ड 29 के पूर्व पार्षद डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा, दरभंगा नगर निगम को हमने 2 दिनों का समय दिया है। अगर 2 दिनों के अंदर में इस नाले का कोई समुचित उपाय नहीं किया जाता है तो हम लोग सड़क जाम कर धरना पर बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा, अक्सर यहाँ लोग इस नाले में गिरते रहते हैं और घायल होते रहते हैं। उन्होंने बताया कि हमने कई बार इसकी जानकारी विभाग को दिया है, लेकिन कभी किसी ने इसकी सुध नहीं ली, जिसके बाद इस तरह की घटना हो गई और एक व्यक्ति की जान चली जाती है। इस वजह से इतना खाली छोड़ दिया गया, ये हम लोग को पता नहीं है। आए हैं तो देख रहे हैं कि भाई ये इतना 7-8 फीट खाली है, तो इसका व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं ताकि आगे से इस तरह कोई घटना नहीं घटे। अभी फिलहाल क्या लगाया गया है? फिलहाल चिन्ह के लिए, उसके बाद हमारा इंजीनियर आएंगे, देखेंगे इसको कैसे। वार्ड नंबर कितना में आता है ये? 28 नंबर। ये सालों से इस तरह से पड़ा हुआ है, इसकी लापरवाही किसको मानते हैं? देखिए, नगर निगम क्षेत्र में बहुत सारा एजेंसी काम करता है, कभी टूटा करता है, खत्म हो गया, कभी आरसीडी करता है, कभी गुटको करता है, साफ कोऑर्डिनेशन की कोना पर दो गड्ढा में। आप उम्मीद है इसमें ढलाई होगा? इसमें ढलाई होगा क्या? ढलाई हो या साइड से दीवार, कोई भी व्यवस्था, गाड़ी की वजह से गिर गया।